हमें एक ऐसे डॉग के बारे में पता चला था जिसके शरीर के आधे से ज्यादा बाल झड़ गए थे। कोई देख रेख नहीं करता ये। जब हमने उसे देखा तो वो एक ही जगह बिना हिले डुले खड़ा हुआ था। वो शायद बड़ी मुश्किल से अपना सर उठा पा रहा था। उसे देख के ऐसा लग रहा था कि वो बस अभी गिरेगा और फिर कभी भी नहीं उठेगा। उसके शरीर में फंगल इन्फेक्शन हो गया था और उससे बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी। जाना नहीं है बेटा। जब हमने आसपास के लोगों से पूछताछ की कि ये डॉग कहाँ से आया है, किसका है, क्योंकि उसने ना कॉलर पहन रखा था, मगर लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। सड़क पे ही रहता है, किसी का पालतू है, छोड़ा हुआ है। कुछ ऐसे निर्दयी परिवार होते हैं ना, जो अपने घर के बुजुर्गों को घर से बाहर निकाल देते हैं। अखरोट के साथ भी वैसा ही हुआ था। उसके परिवार ने उसके लिए अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए थे। हमें पता था कि उसे अडॉप्ट तो कोई नहीं करेगा, लेकिन उस समय उसकी जो हालत थी वो देख के हमारे पास उसे रेस्क्यू करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। उसकी शक्ल देख के हमें पता चल गया था कि उसे घर से निकाल दिया है और उसका दिल एकदम टूट गया है। यहाँ लाने के बाद डॉक्टर्स ने बताया कि वो लगभग 12-13 साल का होगा और हमने उसका रिहैबिलिटेशन शुरू कर दिया। वो फिजिकली तो जल्दी हील हो रहा था, लेकिन उसकी जो मेंटल हीलिंग थी उसमें बहुत समय लग रहा था। क्योंकि वो डिप्रेस था, इसलिए हम उसे डेली वॉक्स पे ले जा रहे थे, उसके साथ बहुत टाइम स्पेंड कर रहे थे और उससे वो बेहतर होने लगा था। जैसे बुजुर्गों को अकेले रहना पसंद नहीं आता ना, उनको अपने बच्चे, अपने बहू बेटा दिखने चाहिए, अपने पोती पोतियाँ खेलते हुए दिखने चाहिए, तो अखरोट भी बिल्कुल वैसा ही था। उसको क्लिनिक की चहल पहल देखना पसंद था, आसपास के एनिमल्स को देखना पसंद था और जितने हमारे सदस्य हैं क्लिनिक के उनको देखना पसंद था। एक बार हमने अखरोट को फार्म के साथ ही जो शिवानी के पेरेंट्स का हाउस है वहाँ पे शिफ्ट कर दिया था, ताकि उसे ज़्यादा धूप मिल सके, ज़्यादा जगह मिल सके। लेकिन अगले ही दिन वो दीवार फांद के वापस एनिमल एरिया के गेट पे खड़ा हो गया। अखरोट को हमारे साथ रहते हुए लगभग 1 साल हो गया था, पर उसको कोई अडॉप्ट नहीं कर रहा था। हमने भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था कि अपनी बची हुई जिंदगी अखरोट अब केनल में ही गुजारने वाला है, क्योंकि लोग अपने शौक के लिए, अपनी खुशी के लिए डॉग्स को अडॉप्ट करते हैं, ना कि किसी डॉग को घर देने के लिए। लेकिन एक दिन फार्म पर एक ऐसे व्यक्ति आए जो अपनी खुशी के बजाय किसी बेसहारा की खुशी को ऊपर रखते हैं। जब सबको पता चला कि अखरोट फाइनली अडॉप्ट हो रहा है, किसी की भी खुशी संभाल ही नहीं संभल रही थी। सबके सब उसे गुड बाय बोलने आए थे। कुछ लोगों के बाय बोलने का ढंग दूसरों से थोड़ा अलग होता है। जब वो पहले ही मेरे पास आया था, वो डिप्रेस डॉग था, जैसे पीपल फार्म ने बोला था, तो पहले एक हफ्ते के लिए वो ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट नहीं था उसको, बस जब खाने के टाइम पे उसको खुशी होता था। पर उसके बाद 2-3 दिन बाद मैंने देखा है कि उसको जब बाहर जाता है, वो सड़क के कुत्तों के साथ वो खेलने में उसका थोड़ा दिलचस्पी हुआ करता था। मान लो कि सब सड़क के कुत्ते किसी चीज़ पे मतलब वो भटका गए और दौड़ रहे हैं, तो वो भी उनके साथ दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं भी तुम लोगों में से मैं एक हूँ। पर यही दुख की बात है कि ओल्ड एज से वो ज़्यादा दौड़ नहीं पाता, तो वो बस लाइक 2-3 दिन सब दौड़ता था, उसके बाद वो उसको दर्द होता है एंड देन उसके बाद वो वॉकिंग करता है। ऐसा हर एज का डॉग्स मैंने फॉस्टर किया। एक कुत्ता छोटा है तो उसके लिए बहुत सारे ट्रेनिंग करने थे, जैसे पूप ट्रेनिंग कि घर में पॉटी मत करो पर बाहर जाके करो, और उनको ये भी ट्रेन करना पड़ता है कि पीपल से इंटरेक्ट करें। उसके बाद उनको बाहर का ये वॉक ट्रेनिंग भी करना पड़ेगा जब वॉक पे लेके जा रहे हो, वो सब अखरोट क्योंकि वो बुड्ढा कुत्ता तो उसको सब पता था, तो उस इन दैट वे इट्स मच ईजियर।